के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाजी मलिक और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी और केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार जी और अर्जुन जी मेघवाल और हमारे पूर्व मंत्री और यहाँ के पूर्व विधायक श्री सावरलाल जी, जिलाध्यक्ष नवीन जी शर्मा, नसीराबाद मंडल के अध्यक्ष अनिरुद्ध जी, विधानन मंडल के अध्यक्ष मोहन जी और नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश जी रावत और सभी विधायक, सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता बंधु जो मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे आगे बैठे हुए हैं, उन सबको आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके हम सबका इतना स्वागत किया है। पर सबसे ज्यादा आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माताएं बहनों को। मैं तो जोर से ताली बजाओ रुकने को तो सही है। तो देखो आज जो माता बहनों ने कमाल किया है, यहां से लेके बिल्कुल वहां तक बस चुनरी ही चुनरी और रंग बिरंगी चुनरियां मेरे को दिख रही है। मैं तो सबको बहुत सारा प्यार, बहुत इतना अच्छा लगा सब लोगों को देख के, परंतु आपके साथ साथ आपको भी बहुत सारा प्यार और आपको भी बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने भी इतनी जितनी संख्या ये है उतनी संख्या के बराबर आप लोगों ने भी आके और सब लोगों ने मिलकर एक परिवार जैसे यहाँ हम लोगों को गले लगाया है, हमारा सबका यहाँ बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके नसीराबाद के ही बात करना चाहूंगी, इसी जवाब देंगे मेरे को आप लोग सब। मैं सबसे ये पता करते हुए आ रही हूँ, ये मेरा चौथा चरण खत्म होने आ रहा है और करीबन 4,500 किलोमीटर चल के हम लोगों ने 4 संभाग को छान लिया और अब आप लोगों के बीच में आके सबसे पहले तो मैं पता करना चाहूंगी कि नसीराबाद शहर में पेयजल को एक दिन छोड़कर आपूर्ति होती है क्या? पानी, बिजली, पानी आता है क्या? एक दिन छोड़ के बताते मेरे को बिजली पानी आता है। ग्रामीण इलाके में तो मैंने बताया जा रहा कि इतनी जोरदार समस्या है कि 4 दिन में एक बार पानी आता है। क्या कह रहे हो? ये तो सही नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? और ये फ्लोराइड युक्त खारा पानी बहुत सारे हमारे परिवार के लोगों को पीना पड़ रहा है। बिजली की तो जोरदार अघोषित कटौती है। किसान जो खेत में जाता है उसको मुश्किल से 2 या 3 घंटे बिजली मिलती है, कभी 4 घंटे बिजली है, कितने 2 या 3 और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। और माताएं बहने, आप लोगों के लिए जो मैंने अलग लाइन बनाई थी जो घरेलू बिजली कहते हैं और वो आपके यहाँ 24 घंटे चलना चाहिए था, आज मैं देख रही हूँ कितने घंटे, कहा 7 घंटे, कहा 8 घंटे और वो भी बहुत जोरदार ट्रिपिंग के साथ। मैंने ये तय किया था कि महिलाओं को ये अलग से बिजली दी जाए और इसलिए दी जाए क्योंकि घर में काम करना पड़ता है, हमारे किसान, हमारे व्यापारी थके मांदे घर वापस लौटते हैं तो घर ठंडा होता है, भोजन बन जाता है, उन लोगों को भोजन ठंडक में खिलाया जाता है, बच्चों को पढ़ाई करने का इंतजाम हो जाता है कि पढ़ाई के लिए है, और अगर फ्रिज है घर में या कूलर है घर में तो वो काम हो जाता है, और अगर एक ही लट्टू है तो वो लट्टू जल जाता है तो फायदा उस परिवार को होता है। ये सोच करके 2008 में जब हमारी सरकार चली गई थी तो यहां तक लाई थी कि लोगों के घरों में 18 या 20 घंटे तक बिजली आ रही। अब मैं देखती हूँ जहां मैं पहुंचाती हूँ, जहां मैं पूछती हूँ, महिलाएं मेरे को हाथ ऊपर करके बोल देती है कि हमारे पास बिजली नहीं है, 8 घंटे 7 घंटे अगर आती है तो टूट टूट के आती है और हमें बहुत मुसीबत होती है, ना पानी है ना बिजली। और मेरे को कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर की बात करते हो तो जाके पता करे आइए, कोई डॉक्टर नहीं है। और मैं नसीराबाद के अस्पताल के अंदर आधा स्टाफ कार्यरत नहीं है, आधा स्टाफ और विशेषज्ञ की उस सेवा की तो बिल्कुल ही कमी है और जेनरिक दवाई का तो असर होता ही नहीं है। और वो कहते हैं कि मजबूरन डॉक्टर को फीस देकर फिर घर पे निकाला जाना पड़ता है।
और बाजार की महंगी दवाइयों को फिर बाद में फिर खरीदना पड़ता है। तो मैंने जो जयपुर में पढ़ा था, ये बड़े आसानी से यहाँ मुफ्त दवाई मिल रही है और मुफ्त जांच हो रही है, ना तो जानवर की जांच हो रही है, ना आदमी की जांच हो रही है, ना मुफ्त दवाई किसी को मिल रहा है, ये हमने आराम से देखा। वो यहाँ मैंने फिर पता किया कि पशु चिकित्सालय, इसलिए मैं कह रही हूँ पशु चिकित्सालय की भी वही हालत है, और यहाँ लोग पशु पालने वाले लोग हैं और उनको सबसे ज्यादा मुसीबत उसकी हो रही है। क्षेत्र के स्कूल के अंदर कमी है ना टीचर की, अध्यापक है नहीं है, अध्यापक भी नहीं है, और नसीराबाद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विषय अध्यापकों की भी कमी है। गांव में सड़क के बुरे हाल है, है? और मरम्मत तक नहीं की जाती। अब जो मैं रास्ते देख के आ रही हूँ, जहां जहां से हम होके गए, और वहां से मैंने उन लोगों को कहा कि देखो सड़क की हालत, तो रात रात में हमारे पीछे पीछे सड़क बनती आ रही। कोई सड़क है आपकी जिसको बनानी है कोई सड़क जो बनानी है? जरा जोर से मैं बोल दूं, हमारे अखबार वाले भाई लिख दें और कल से वो काम चालू हो जाए, तो आप लोगों को 3-4 महीने के लिए तो आराम मिल जाएगा, क्योंकि बरसात आएगी तो सड़क तो उखड़ने वाली है। ये तो मैंने देख लिया, कहीं भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। आधा पैसा जेब में और आधा पैसा लिपाई पोताई के अंदर, वो आप लोगों को जगह जगह के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि छावनी और नगर पालिका क्षेत्र को अलग करने की आप लोगों की तरफ से मांग आई। आबादी में सेना के नियम लागू होने से जो छोटे छोटे आप लोगों के काम है वो पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि आप लोगों को स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो आप कहते हो कि हमारा विकास का कार्य अच्छी तरह से और प्रभावित तरीके से नहीं होता है, और वो कई साल से ऐसे चलता आ रहा है। और फिर सब लोगों ने मेरे को यह कहा कि बोर्ड के ऊपर एमपी और एमएलए ये दोनों बैठते हैं, परंतु इतने साल गुजर गए ना कोई एमपी आया ना कोई एमएलए आया। तो हमारी जो समस्याएं हैं भले ही छोटी हो, परंतु उन समस्याओं को हम पूरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मदद करने के लिए उस पर कोई नहीं। इसका समाधान हम लोग निकालेंगे, इसका रास्ता निकालेंगे, हम बात करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इनको अलग किया जा सकता है कि नहीं, परंतु मैं मानती हूं कि अगर आपके साथ हम लोग बैठे तो इसमें से रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि यह जरूरी है कि लोगों के छोटे छोटे काम सही समय के ऊपर किए जाएं, ताकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हो। सबसे बड़ी चीज के लिए तो हमारे इलाके के लोग बड़े फेमस लोग हैं, और वो इसलिए फेमस है कि ट्रेलर का व्यवसाय बहुत जोरदार तरीके से यहां से चलता है। हिंदुस्तान के अंदर जहां भी चले जाओ तो नसीराबाद के कहीं ना कहीं ट्रॉले तो दिख ही जाते हैं, तो इसीलिए बड़े फेमस लोग हो। अब मेरे पास ये आई है कि आरटीओ के संबंधी जो भी कार्य है उसके लिए हम लोगों को दौड़ के वहां अजमेर जाना पड़ता है, बात सही है? और आप लोगों ने ये कहा है कि अगर नसीराबाद के अंदर परिवहन कार्यालय की शाखा खुल जाए तो हमारे लिए ये सब आसान हो जाएगा, तो ये कोई बात नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि छोटा काम है, इसके लिए अपन आगे देखेंगे। मैं समझती हूँ, मैंने इसको नोट भी कर लिया है आगे इसका देखने का। केकड़ी सरवार अजमेर मेगा हाईवे को 4 लेन करने की आप लोगों की तरफ से मांग है। इस मार्ग पे आप लोग कहते हो कि एक बाईपास भी बनाने की जरूरत है, ये दोनों हमारे काम हो जाएंगे तो हमको सड़क की मुसीबत जो है उसको सब निकल जाएगी और हम लोग आराम से उस सड़क के ऊपर चल सकेंगे। रामसर नसीराबाद के मार्ग पर आप कह रहे हो कि शाम 5 बजे के बाद कोई रोडवे नहीं है, ये भी सही है क्या? तो आपको पता नहीं है, ये भी छोटी बात है, मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बात। और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बाद भी आपने ये कहा कि ट्रेन कोई भी यहाँ ऐसी अच्छी रुकती नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ कर लेना चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यहाँ का स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री है भाई, और ये छोटे मोटे काम नहीं, क्या कौन कहता आता नहीं, आपके यहाँ से नहीं। मैं 2-3 काम आप लोगों से बताए तो जरूर करना चाहूंगी। हमने अपने समय के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और हम लोगों ने अपने समय के अंदर ये कहा सबको कि आरक्षण की बात को ध्यान में रखते हुए पहले तो हम एक पूरा उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे, और चोपड़ा की रिपोर्ट हमने बनाई। चोपड़ा की रिपोर्ट बना के हम लोग इसको लेकर विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से उसको पास करवाया। पास करवाने के बाद राज्यपाल के पास ले गए, राज्यपाल से दिल्ली तक पैसे लड़ते लड़ते उसको दिल्ली तक भिजवाने का काम हमने कर दिया। अब आप छोटा सा काम बचा है, कड़ी से कड़ी जोड़ दी, ऊपर की सरकार भी इन्हीं की, नीचे की सरकार भी इन्हीं की। मैंने कहा भैया छोटा सा काम है, 9वीं सूची में खाली जोड़ने की बात है,
अगर नौवीं सूची में जुड़ जाता है तो सब लोगों को फायदा मिल जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ का एमपी मंत्री भी है, क्यों नहीं कर सकता है, छोटा ही तो काम है। सवाईमाधोपुर का मंत्री का एमपी वो भी मंत्री है, अगर ये दोनों जन ने थोड़ा सा जोर लगा दिया तो ये काम तो आसानी से हो सकता है। और फिर वो 14% हमने इसीलिए लगाया कि थोड़ा सा उसमें भी जोर लग जाएगा तो सब लोगों को फायदा हो जाएगा और सबके सब लोगों को नुकसान और मुसीबत देखने की जरूरत ही नहीं होगी। परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अधर्म में क्यों पड़ा है। आज भी मैंने देखा, मैंने देवनारायण योजना का इतना बड़ा बोर्ड बना के 500 करोड़ रुपए उसके अंदर डाले, मुझे समझ में नहीं आता वो पैसा गया कहां, क्या बन रहे हैं, उसमें स्कूल बन जाते, लाइट लग जाती, पीएचसी लग जाता, सड़क बन जाती, तो कितने सारे लोगों को इलाके के अंदर मुसीबत से दूर होने का एक मौका मिल जाता। परंतु वो भी काम नहीं हुआ, वो 500 करोड़ रुपए गया कहां, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप लोग बता रहे हो, आप सब बात सही है, सबको मालूम है कहां गया। मैं कल केकड़ी से होते हुए यहां आ रही हूं और मैं आश्चर्यचकित हूं ये देख के कि कैसे कैसे काम और कैसे कैसे धंधे होते चले आ रहे हैं और इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। और रोक इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार भी वही काम कर रही है, राजस्थान की सरकार भी वही काम कर रही है। तो नीचे से ऊपर तक अगर वही काम कर रहा है आदमी, तो ये जो खूनी हाथ आपने देखा ना, जिसको लोग अभी 55 साल से वोट देते आ रहे हैं, वो खूनी हाथ ने हमारी महिलाओं का गला दबाया है, उस खूनी हाथ ने हमारे सबके जेब काटे हैं, और वो खूनी हाथ मदद के लिए आगे नहीं आया है। ये तो सबको नुकसान 55 साल से करते करते अब करते आज दिन तक लाके आपको गड्ढे में बिठा के छोड़ा है। मैं सबसे पूछना चाहती हूं कि जब आप लोगों ने मुझे सरकार दी थी 2003 के अंदर, तो बीमारू प्रदेश था, बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने किस मेहनत के साथ उठा के खड़ा किया आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आप लोग ये भी जानते हो कि उन 5 सालों के अंदर कितना सारा काम हुआ। इसी सड़क पे चलो, ये बीसलपुर की लाइन आपके सामने उन 5 साल में बनी। आपको मालूम है कि कितने सारे टंकियां गांव में, छोटे गांव के अंदर वो टंकियां बनी। आपको मालूम है कि उसके अंदर पानी भी आया। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब उस समय टंकी भी बनी, पानी भी आया, लोगों ने पानी भी पिया, तो अब वो पानी कहां चला गया है, कहां चला गया, क्यों नहीं आ रहा है लोगों के पास, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये तो सिर्फ माताएं बहने इच्छा शक्ति की कमी है। आप लोगों के लिए मैंने भामाशाह योजना बनाई थी और भामाशाह योजना के अंदर परिवार 50 लाख उसके मैंने उनको मदद मिल जाती, उसमें महिलाओं के द्वारा 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देके मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना था। उसमें बीपीएल परिवार, उसमें एससी, उसमें एसटी, लघु सीमांत कृषक, इन सब लोगों को उसमें जोड़ा, उनको कार्ड देने का काम किया और उस कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए आपको स्वास्थ्य बीमा के तौर से आप वो भी एक्स्ट्रा मिल जाता, उसमें पेंशन वेंशन सब हो जाता। आज रेवड़ियां बच रही हैं। मैं पूछना ये चाहती हूं कि इन्होंने 4-4.5 साल से अगर ये स्कीम लगा दी होती, जिसके आज भी 870 करोड़ हमने अलग से रखे थे, 600 करोड़ मालूम नहीं कहां चले गए, 200 करोड़ तो अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं, अगर ये तब से चालू हो जाती तो ये सब काम आज तक आप लोगों को मिलता, ये 4.5 साल आप लोगों को इस तरीके से बैठने की जरूरत ही नहीं होती। या मुझे बताओ, आप लोगों को किसान यहां बैठे हुए हैं, किसी के यहां पाला पड़ा था, ओलावृष्टि हुई थी, आपके फसल बिगड़ी थी, अगर फसल बिगड़ी थी तो आपको मुआवजा मिला? मेरे को तो जयपुर में पढ़ने को यह मिला कि एक बहुत अच्छा पैकेज बनाया है, उसमें बिजली के आपको छूट दे दी है, उसमें आपको पैसों का इंतजाम कर दिया है, और मैं आपसे पूछ रही हूं तो आप मेरे को हाथ हिला के कह रहे हो नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। आप लोग किसान, तो फिर मैं ये पूछूं किसान भाइयों को, 1,50,000 का जो ऋण के तौर पे मिलना था और बिना ब्याज के ऋण पे मिलना था, किसी को मिला? हर चीज पे नहीं बोलते हो, 1,50,000 रुपए मिलने थे और आप लोगों को कोई किसी को भी नहीं मिला। कोई है बीपीएल परिवार का जिसको 50,000 रुपए मिले बिना रिश्वत के निकाले गए? तो 10,000 रुपए रिश्वत के निकाले जाते हैं, तो बिना रिश्वत निकाले पूरे 50,000 किसी को मिला क्या? किसी को नहीं मिला। वहां अखबार में ये सब पढ़ने को मिलता है कि ये काम हो रहा है। 1 रुपए किलो के हिसाब से किसी को गेहूं मिला? बताओ भैया, किसी को मिला क्या? माता है बहने, आप किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। और वहां दिल्ली में, जयपुर में पढ़ो तो रोज रोज कोई नई बात, रोज रोज कोई नया
लोगों के लिए हुआ जा रहा है, मैं तो कभी कभी हैरान हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि ये मुसीबत आप लोगों के साथ है और कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और सरकार फिर बेधड़क आप लोगों के बीच में आके कहती है कि आपको फिर से वोट दो। मैं सबको यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये हमारा राजस्थान का परिवार है। एक नया राजस्थान अगर हमें बनाना है तो इस परिवार को, 36 के 36 कौम को और सब मजहब को साथ लेके चलने का काम हमको करना पड़ेगा। इसमें कोई भी झगड़ा एक दूसरे के बीच में नहीं। अब चुनाव का टाइम आ गया है तो मैं देख रही हूँ कि इसको उससे लड़ा दो, मजहब मजहब से लड़ा दो। कोशिश ये चल रही है कि अगर लड़ाई हो जाती है तो वोट का फायदा हम लोगों को मिल जाएगा। और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि अगर वोट का फायदा मिलना है तो नए राजस्थान को बनाने का काम और इस पूरे परिवार को सोचने के बाद वहां वोट डालने का काम आप लोग करोगे। इस तरीके से अपना वोट फेंकने का कोई काम ही नहीं। मैं आप लोगों से फिर पूछना चाहती हूँ, ये समय आएगा या आप लोगों के बीच में आएंगे और फिर आप लोगों के बीच में आके आपको धमकाएंगे, आपको डराएंगे और आपसे ये कहेंगे कि आपसे हमसे कोई भी काम करा लो, बस वोट हमसे मत ले जाओ, तो आप घबराओगे तो नहीं? कोई घबराएगा तो नहीं? हमारे किसान भाइयों को मुझे ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। और मैंने यही कह दिया कि अगर जिस तरीके से चलेगा तो एक एक बूंद खून भी वो आपके हमारे इस परिवार के लिए है। हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और वो नया राजस्थान बना के छोड़ेंगे। इसमें आप बस साथ और प्यार दो, आपका प्यार मिले, आपका विश्वास मिले और आपका साथ मिले। मैं तो सुनती रहती हूँ कि अरे आप तो करो और हम आपके साथ हैं। मैंने कहा भैया कहीं ऐसा ना हो कि पीछे मुड़ के देखूं और कोई नहीं है, मुझे तो चलेगा नहीं। ये पूरा का पूरा दोस्त और साथ में पूरा परिवार साथ में रहेगा तो हम काम कर सकेंगे। माता बहने मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार के टाइम में हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने मजबूती से पैर पे खड़ा किया और फिर 10 लाख नौकरी 5 साल के अंदर दी, सरकारी और गैर सरकारी। मैं खाली पूछना चाहती हूँ कि ये नौकरियां पिछले 4.5 साल के अंदर क्यों नहीं मिली? अब मैं 2 महीने से ये बात पूछ रही हूँ तो खदेड़ रहे हैं सब, इधर उधर दौड़ रहे हैं, अरे नौकरियां जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, 14,000 ये दे दो, 15,000 वो दे दो। मैं मानती हूँ कि आने वाले समय इन 4 महीनों के अंदर करीबन 40-50 हजार लोगों को नौकरी जल्दी जल्दी देने की कोशिश करें। तो इसलिए कोई काम करवाना है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ मंच से बोलना शुरू कर दूंगी और आपके वो काम छोटे मोटे जो भी है वो सब पूरे हो जाएंगे। तो माताएं बहने आपको इसलिए मैं कह रही हूँ कि नौकरी नहीं मिली हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे सड़क पे भटक रहे हैं और इस नए राजस्थान और नई व्यवस्था के अंदर ये नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं आपको छोटे ही विश्वास ये दिलाना चाहती हूँ कि सबसे पहले शुद्ध और पर्याप्त जल आप लोग तक पहुंचे इसकी व्यवस्था मुझे करने की जरूरत है। मैंने यहाँ एक कागज उठा के लाया था, उसे मैंने देखा कि 2011 और 12, ये माताएं बहने बहुत जरूरी है, 2011 और 12 के अंदर 330 करोड़ रुपया खाली पानी के लिए दिया गया था, पीने के पानी के लिए, उसमें से इस्तेमाल किया इस सरकार ने 24 करोड़ रुपया और 306 करोड़ रुपया वापस चला गया। ये सोचो आप लोग प्यासे मरे जा रहे हो और 306 करोड़ रुपया भाइयों वापस चला गया। 2012-13 के अंदर आया 601 करोड़, उसमें से 29 करोड़ इस्तेमाल किया गया और 580 करोड़ वापस चला गया। आप समझो कि 580 और 300 करोड़ अगर हमने जोड़ते हैं तो 880 करोड़ में पूरा राजस्थान पानी पी जाता। और अभी इस साल में 13-14 के अंदर 1300 करोड़ रुपया मिल रहा है और उस 1300 करोड़ रुपया में से 56 करोड़ इस्तेमाल किया है और 1-2 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और 1240 करोड़ रुपया आपका वापस जाएगा। सोचो 1000 वो और 1200 ये, अगर ये 2200 करोड़ के अंदर क्या पूरे राजस्थान और पूरे परिवारों को पानी नहीं मिलता? आराम से पानी मिल जाता, परंतु इच्छा शक्ति की कमी है, हमको काम ही नहीं करना है। बस बड़े जो मैंने मुश्किल से कुंभकर्ण की नींद से हम लोग अभी जागे हैं, अब ये 4 महीने में क्या दौड़ भाग करके हम आपको लुभा सकते हैं, उसमें ये लोग लगे हुए हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक सपना देखा है, मैंने सपना देखा है, एक नए राजस्थान का सपना जिस राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे होनहार हो के और रोजगार उनको मिले, हमारी महिलाएं सुरक्षित रास्ते पे चल सके, अपना सर ऊंचा उठा के चल सके, हमारे किसान मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। और मैं समझती हूँ कि
उनको समय के ऊपर उनकी फसल की जो व्यवस्था होती है वो हो, उनको सही समय पे सब काम मिले, उनको बीज खाद मिले और वो अपनी मजबूत बने। मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा और कौन क्या चाहता है। अभी मेरे पास एक कागज आया, पड़ा हुआ है वहां, ये तीन पैकेट पड़े हुए हैं मेरे टेबल के ऊपर, ये तीन पैकेट पड़े हुए हैं। मैंने पता कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि राशन की दुकान पर उपलब्ध होने वाली ये सामग्री है, ये तीन पैकेट, उसमें मिर्ची है, धनिया है। और वहां देखा जाता है कि बाजार में अगर आप ये खरीदो तो मिर्ची 80 रुपए किलो का हिसाब और धनिया 60 रुपए किलो का हिसाब, और अगर आप जाओ राशन की दुकान में तो राशन की दुकान में 135 रुपए के हिसाब से मिर्ची 135 और 110 रुपए के हिसाब से धनिया। तो मैंने ये राशन की दुकान में चल रहा है, तो बाहर चले जाओ तो बाहर आराम से मिल जाएगा। और मैं दूसरी बात भी आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि पहली दफा अपने समय के अंदर मैंने दूध के 2 रुपए 30 पैसे के हिसाब से समर्थन मूल्य दिलाया था। या तो भाइयों को मालूम है कि दूध से काम करते हैं, पहली दफा समर्थन मूल्य अगर मिला है तो पहली दफा अपने को मिला। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि सब काम फिर से होंगे। तो माताएं बहने, तुम लोग तैयार हो क्या लड़ाई के लिए? लड़ाई के लिए तैयार हो, डरोगे तो नहीं, क्योंकि लड़ाई आपको शुरू करनी है। अगर करती है तो एक जोरदार मेरे साथ नारा दोगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय